आप लोग डायबिटीज से बचे, क्योंकि आजकल जो है प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। और वही कारण है कि जेस्टेशनल डायबिटीज आपका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो बाद में फ्रैंक डायबिटीज हो जाता है, वो जिंदगी भर डायबिटीज रह जाता है। और यदि जेस्टेशनल डायबिटीज आपको होगा तो हर महिला को चाहिए कि जब शुरू में फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के लिए आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जब आती है तो ब्लड चीनी ब्लड शुगर जरूर जांच करें। अब वो नहीं है कि खाली पेट में रहें चाहे खाने के बाद रहें, आप जब भी आती हैं यदि नाश्ता करके भी आती हैं तो आते ही 75 ग्राम ग्लूकोज ले लीजिए और उसके 2 घंटा के बाद ब्लड शुगर करें। हर महिला को फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में जरूर कराना चाहिए, फिर इसका जो दोबारा जांच जो है 8वां महीना में आप फिर लास्ट में कराते हैं। और जिसको जैसे थोड़ा भी बढ़ा रहता है उसको हम लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं, करने के लिए करते हैं और उसका बाद तक फॉलो करते हैं। अभी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज रहेगा आप बाद में डायबिटिक हो जाने की संभावना है। और बच्चे का भी, बच्चे में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, बच्चे का भी जो है सो बच्चा खराब होने का डर रहता है, पूरा महीना का बच्चा गर्भाशय के अंदर खत्म होने का डर रहता है, बहुत बच्चे का भी वजन बहुत ज़्यादा रहता है, सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये कंजनाइटल माल फॉर्मेशन भी बेबी में होता है। तो सब महिला को आप जरूर बताइए। और ये जो है पुरुषोत्तम भी बहुत अच्छा काम करते हैं कि हर साल, पहला बार नहीं है, हर साल ये अवेयरनेस प्रोग्राम महिलाओं के बीच में जा करके अवेयर कराते हैं और कि किस तरह से बचें और किस तरह से आप अवगत हो जाए इस बीमारी, इसके बारे में जानिए, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहें, आपका बच्चा भी स्वस्थ।